गणपति पूजा के अवसर पर जो इसमें उन्होंने जो आयोजन किया है वो काफी सराहनीय है। धागा के बच्चों में है, अगर उस प्रतिभा को निखारा जाए, मोहर्रम बीते आपको झंडा, इसमें आपने देखा है कि काफी बढ़ चढ़ के जहाँ धागा के हिंदू मुसलमान के लोगों के बीच में लगता था कि बहुत बड़ी खाई है, उन्हें खत्म किया है। ऐसा ही मंच ढाका के बच्चों को चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा में निखार आए। जैसे जैसे ढाका में आयोजन होगा वैसे वैसे बच्चों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद, प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है, प्रखंड वासियों का बहुत सहयोग मिला है। हिंदू हो या मुस्लिम, सबको दर्शन करने आ रहे हैं और प्रसाद खाकर जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा योगदान है यहाँ के थाना अध्यक्ष जो वर्तमान में है। DMSP भी हमको धन्यवाद देते हैं कि चलिए कम से कम ढाका एक मिसाल का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमारे थाना अध्यक्ष साहब, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप DSP साहब और आप दोनों आकर यहां के सभी बच्चों को हौसला बढ़ाए हैं। सर बहुत अच्छा, कब से आती हैं आप यहां? सर हर साल आते हैं। कैसा लगा यहाँ का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पंडाल भी बहुत अच्छा लगा, मूर्ति भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सोसाइटी भी बहुत अच्छा लगा। महाकाल गणपति पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा आज सफल कार्यक्रम रहा। आज तीसरा दिन है पूजा समिति का। आज DSP के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नन्हे मुन्ने कलाकारों के द्वारा उनकी प्रतिभा को बिखेरने के लिए श्री सावित्री डांस एकेडमी के द्वारा एक बेहतरीन प्रस्तुति की गई। मौके पर पूजा समिति के सभी सदस्यों की भागीदारी रही और आज मुख्य अतिथि के तौर पर देख सकते हैं ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर पहुंचे हुए हैं। समिति के लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही बच्चों के प्रतिभा के प्रति भी सजग है, एक बेहतरीन संदेश दिया है। थाना अध्यक्ष जी बताइए, कैसा लगा बच्चों का आज कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा आज का बच्चों का, और इस गणपति पूजा के अवसर पर जो इसमें उन्होंने जो आयोजन किया है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं तो सिर्फ यह संदेश देना चाहता हूं कि गणपति पूजा के अवसर पर तो जो आयोजन हुआ वह तो ठीक ही है, लेकिन जो प्रतिभा ढाका के बच्चों में है, अगर उस प्रतिभा को निखारा जाए और जितना मंच है, जो जितने सारे स्कूल हैं, जितने सारे म्यूजिक टीचर हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना पसंद करते हैं, अगर उनको समय समय पर आगे बढ़ाने का काम किया जाए तो आज यह गणपति पूजा अगले साल जब होगा तो देखिएगा कि इसका एक अद्भुत नज़ारा पेश आएगा। जिंदगी में हर छोटी बड़ी घटना घटती है, अगर बच्चे को आत्मसात करने की प्रवृत्ति अगर शुरू से हो जाए, अगर छोटा बच्चा कैसे आगे बढ़ के बड़ा बनता है, कोई इंजीनियर कैसे, डॉक्टर्स, कोई पुलिस, कोई वकील, कोई कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, बहुत ऊँचाई तक जाता है, तो इस चीज़ को दिखाना होगा, बच्चों के अंदर में समाहित कराना होगा। आज हमारा देश चंद्रग्रहण तक चला गया, चंद्रमा के ऊपर अपना तिरंगा फहरा रहा है, बच्चे काफ़ी उत्साहित है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो आपकी टीम कितनी तरह से सजग है कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए? देखिए, मैं तो 100% सजग हूँ और लोगों के सहयोग से मैं हर समय प्रयास करता हूँ कि यहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई रहे। काफ़ी मिलनसार, काफ़ी समझदार लोग हैं यहाँ के और भली भांति जानते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रखने में कितना योगदान उनका है। जैसे बीते मुहर्रम बीते आपको झंडा, इसमें आपने देखा है कि काफ़ी बढ़ चढ़ के जहाँ ढका गए हिंदू मुसलमान के लोगों के बीच में लगता था कि बहुत बड़ी खाई है, उन्हें ख़त्म किया है और इतना बेहतरीन सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे पर्व को मनाया है। ये एक मिसाल है, ढाका के लोग एक संदेश दिया है कि ढाका ऐसे जगह पे जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का आबादी बिल्कुल 50-50% है और हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी, आज उन्हें ख़त्म किया है और सारे हिंदू मुस्लिम भाई मिल करके काम किया है। और इस अवसर में भी देखिएगा कि गणपति पूजा हो रहा है, बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ पर इन लोगों के सहयोग कर रहे हैं। पप्पू चौधरी हैं जो हिंदू धर्म समाज के सचिव हैं, सभी मौके पर इनकी भागीदारी अच्छी होती है, मिलजुल कर सभी सनातन धर्म प्रेमी इस पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आज तीसरा दिन था, बच्चों का कार्यक्रम था। पप्पू जी, बच्चों का कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा बच्चों का कार्यक्रम, ऐसा ही मंच ढाका के बच्चों को चाहिए ताकि उनकी प्रतिभा में निखार आए। जैसे जैसे ढाका में आयोजन होगा वैसे वैसे बच्चों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस तरह का आयोजन होगा तो बच्चों को काफ़ी सफलता मिलेगी आगे जाने में। देखिए, महाकाल पूजा समिति के अध्यक्ष हैं राजा बाबू,
बिल्कुल सजग है, पूरी तरह से तैयार है, सभी तरह की विधि व्यवस्था का जायजा लेते हैं। क्या कहेंगे आज मुकेश चंद्र जी पहुँचे, आप लोगों का हौसला बढ़ाया, बच्चों का हौसला बढ़ाया? बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन का बहुत सहयोग मिला है, प्रखंड वासियों का बहुत सहयोग मिला है। क्या कहेंगे जेपी जी, काफ़ी सफल कार्यक्रम आपका हो रहा है जी। सबसे पहले तो मैं एसटीवी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ इस महाकाल गणपति पूजा समिति के त्यौहार को आप जो लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए आप पूरे कमेटी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले अगर इस पूजा को सफल बनाने में जितना ही योगदान इस पूजा कमेटी को है, उससे भी ज़्यादा योगदान यहाँ ढाका प्रशासन की है। इससे पहले भी बहुत सारे थाना प्रभारी रहे हैं, पर इस तरह से हिंदू मुस्लिम में जो था एक दूसरे में कटाक्ष, लेकिन इस बार देखने को मिल नहीं रहा है। क्योंकि इस बार जो पूजा हो रहा है कि जिस तरह से हिंदू हो या मुस्लिम सब कोई दर्शन करने आ रहे हैं और प्रसाद खाकर जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा योगदान है यहाँ के थाना अध्यक्ष जो वर्तमान में है अभी, कि इनके आने से काफ़ी लोगों में आपस में समानता का अधिक वो हुआ है, और एक यहाँ पर जितना भी मतलब कि एक दूसरे से बैर था वो सब अभी ख़त्म हुआ है, और लोगों को सुकून के नींद आज के समय में सोने को मिल रहा है। ऐसे ही ईमानदारी और निष्ठा के अनुसार अपना कार्य वो करते रहे, बहुत हम गणपति बाबा की तरफ से आशीर्वाद उनसे प्रार्थना करते हैं। और जो यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी हैं वो भी हम लोगों के साथ खड़े हैं, और वो भी काफ़ी पूजा को लेकर आपके ही न्यूज़ के माध्यम से चर्चा भी किए कि हमें काफ़ी प्रसन्नता हुआ कि इतना भव्य रूप से, हमें तो लगा कि छोटा पूजा है लेकिन काफ़ी भव्य रूप से इसका पूजा हुआ। हम रहें यहाँ पर वर्तमान में तो जरूर DM साहब को बुलाएंगे, इसके लिए भी उनको भी आभार व्यक्त करते हैं। सुरेश सर्राफ है जो इस कार्यक्रम के सह संरक्षक है और भाजपा जिला संयोजक है, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज दोनों मित्र एक साथ हैं, एक मंच पर थे दोनों आदमी, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ। फर्स्ट दिन सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी आज इस GPO सर आए, और आज बच्चों का जो कार्यक्रम रहा इसके मुख्य अतिथि मुकेश चंद्र कुंवर के हाथों फर्स्ट प्राइज दिया गया। आज रात्रि 1 बज रहा है, विधि व्यवस्था और हर चीज़ पे निगाहें रखे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में जो घटना घटी, हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जब थाना अध्यक्ष यहाँ है तो हमको नहीं लगता कि ढाका प्रखंड में कुछ होगा। हमने तो जिला पीस कमेटी के मेंबर है, DM SP भी हमको धन्यवाद देते हैं कि चलिए कम से कम ढाका एक मिसाल का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आयोजन पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम यहाँ के DSP साहब को, यहाँ के सबसे लोकप्रिय हमारे थाना अध्यक्ष साहब, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप DSP साहब और आप दोनों आकर यहाँ के सभी बच्चों को, जो यहाँ हमारा बाल कलाकार लोग आए हुए थे, उन सभी बच्चों का हौसला बढ़ाए हैं, इनके लिए लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। क्या नाम है? सती। कहाँ की है? निरगटिया। निरगटिया से आई है, यहाँ का आयोजन कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा। कब से आती हैं आप यहाँ? सर हर साल आते हैं। हर साल आते हैं, इस बार क्या कुछ नया लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा सर। क्या नाम है जी? अंशु कुमारी। कितना में बैलून खरीदी हो? 10 रुपए में। कैसा लगा यहाँ का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? श्री सवित्री देवी। सविता जी कहाँ की है? झगुआ ग्राम के। उधर गणपति पूजा में हर साल आती हैं आप? सर कैसा लगता है यहाँ का कार्यक्रम? ठीक लगते है। क्या नाम है? हमारा नाम गजेंद्र साह हुआ, हम ग्राम सिमरा, हम सिमरा सगर दिना से आए हुए हैं। इतना दूर से आ गए? जी हाँ, हम गणपति पूजा देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा सब चीज़ देखने के लिए, बहुत अच्छा है। अच्छा बताइए, इस बार का क्या कुछ नया लग रहा है? मूर्ति कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पंडाल भी बहुत अच्छा लगा, मूर्ति भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सोसाइटी भी बहुत अच्छा लगा हमको। गणपति गणपति बप्पा। क्या नाम हुआ? रोशन चौधरी। कहाँ के हैं? ढाका के हैं। कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत बेहतर रहा। सफल कार्यक्रम हो रहा है, और ढाका में जो हिंदू मुस्लिम में जो खाई उत्पन्न हो गया था, जो दूरियां थी, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म समाज के द्वारा और सनातन धर्म प्रेमियों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकजुटता का प्रतीक बन रहा है, और कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा योगदान यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने में अहम भूमिका ये लोग निभा रहे हैं। विधि व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार पेट्रोलिंग हो रही है ताकि महिलाओं की और आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी तरह से निगरानी हो, उनकी पूरी तरह से देखरेख हो। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो एसटीवी न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बहुत धन्यवाद।